आपको एक छोटा सा वचन देना चाहता हूं। अभी मैं प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मेरे मन में डाल दिया, निकालो पहला राजा, पहला राजा 11 अध्याय। आपको पता सुलेमान के पास कितनी बुद्धि थी, उसकी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे कितना फलवंत कर दिया, कितना अमीर कर दिया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, ऐसा वचन दिया कि तेरे जैसा राजा ना कभी होगा ना कभी आएगा, इतना ज्यादा आशीष और धनी किया। अगर हम 11 की एक पढ़ें, पढ़ना जल्दी। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, इदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीत करने लगा, वह उन जातियों की थी। सुनो, दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो, ये वचन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए। जिन बच्चों से आप बड़ा प्रेम करते हो ना, ये उनके लिए करते हो ना प्यार, करते हो अपने बच्चों से प्यार कि नहीं, परवाह करते, करते हो प्यार, वे सुन लो, ध्यान से सुनो। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, इदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीत करने लगा, वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इसराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी फेरेगी, उन्हीं की प्रीत में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, सुनो ध्यान से सुनो, लिखा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजाती स्त्रियों से, जिनके नाम लिखा मोआबी, अमोनी, अदोमी, स्तोनी, हित्ती थी, प्रीति करने लगा, जिन जातियों की उन औरतों से परमेश्वर ने मना किया, पर सुलेमान ने क्या कर ली, उनसे शादियां कर ली, उनसे उन्हीं की लिप में प्रीत में क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, क्या हो गया। परमेश्वर ने कहा कि उनसे क्या ना करना, तुम उनके मध्यम में ना जाना और ना उनके देवताओं के, और क्योंकि ना संदेह तुम्हारे मन को उस तरफ वो फेरेंगी, मना किया, पर लिखा सुलेमान उनकी लिप में, ये सब जातियों के अलग अलग नाम लिखे गए, उनकी प्रीत में लिप में क्या हो गया, और आगे क्या लिखा, उन्हीं की प्रीत में सुलेमान लिप्त हो गया, उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहला दिया, बहका दिया, बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन प्राय देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक गुणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हाँ, आगे। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक गुणित देवता के लिए और अमोनियों के मुलेक नामक गुणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजाती स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। सुन लो, देख लो, कितना बुद्धिमान परमेश्वर ये व्यक्ति था, परमेश्वर ने इसे समझ दी थी, क्योंकि इसने शुरू में क्या मांगी थी, बुद्ध मांगी थी, पर एक दिन ये जिन जातियों से मना किया, अब समझ आ रही मेरी बात, इन्हीं उन्हीं स्त्रियों से शादियां कर ली और उनकी प्रीत में लिप्त हो गया। अब देखो, बोलो क्या है, जब बूढ़ा हो गया तो उन स्त्रियों के प्राय देवताओं की इसका मन बहक गया, क्या हो गया, इसने क्या लिखा, लिखा सुलेमान सदोनी की अश्तारोत नामक देवी और अमोनियों के मिलकोम नामक घृण देवता के भी पीछे चला, क्या चला बोलो, लिखा तब अपनी उन वजायती स्त्रियों के कारण, बोलो क्या किया उसने,
एक तो धूप जलाई, ये घृणित काम किया, बहुत बड़ा पाप किया, और दूसरा उनके अपने अपने देवता को जो धूप जलाती थी, बलिदान करती थी, उनके लिए ऐसा ही उसने भी किया। किसने? सुलेमान ने। पर वो कह रहे उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? नौमी, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने दो बार उसको दर्शन हाँ, दिया था। जिसने दो बार उसे, उसका मन उसको फिर गया, जिसने उसे दो बार दर्शन दिया हाँ? और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि प्राय देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। देख लो कितने मेरी बात समझ आई। परमेश्वर लिखा उस बात से क्रोधित हुआ सुलेमान के ऊपर, क्या हुआ? जिसने उसे दो बार दर्शन दिया, क्योंकि उसका मन बहक गया, पराई दावत देवताओं के पीछे हो लिया ना, और परमेश्वर की उस आज्ञा को ना माना जो उसने किससे बांधी थी, सुलेमान से, और तुझसे एक वाचा थी। बोलो क्या था? गहरा में लिखा ना ऐसे। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे ऐसा काम हुआ है, मेरी बंधवाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण जे काम में तेरे जीवन में तेरी पीढ़ी में नहीं, जब तक तू जीवित रहेगा तब तक नहीं छीनूंगा, जब तेरा आने वाला तेरा बेटा होगा उससे मैं छीन लूंगा और तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण, क्योंकि दाऊद किसकी विधियों और नियमों को मानता था, किसके पीछे चलता था, वो कोई पाप नहीं करता था, बस उसने एक ही पाप किया, उसके अलावा उसने कोई पाप नहीं किया। कितनी बात समझ रहे? कहता तेरे पिता दाऊद के कारण जब तक तू जीवित रहेगा तब तक तो मैं राज्य नहीं छीनूंगा, पर तेरी आने वाली पीढ़ी, तेरा जो बेटा होगा उससे मैं छीन लूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण एक गोत्र में छोड़ दूंगा। क्या दूंगा? एक गोत्र छोड़ दूंगा। 10 गोत्र का वो राजा था, पर उसकी एक गलती के कारण, जो मान लो जैसे मान लो 10 जिले, जैसे अमृतसर, फरीदकोट, पठानकोट, गुरदासपुर हाँ, कपूरथला, लुधियाना, ऐसे जिले है ना, ऐसे वो 10 जिलों का मालिक था, 10 गोत्र के ऊपर उसका अधिकार था सुलेमान का। पर जब उसने ऐसा पाप किया, उन वजैती स्त्रियों से शादी कर ली जो घृणित, मतलब अपने अपने देवताओं को क्या करती थी, मना किया था ऐसी जातियों से शादी करने के लिए, तो तुम्हें भी परमेश्वर मना करता है, करता है ना, इस संसार के जैसे मत बनना। अब बात समझ आ रही है? तुम नाच रहे हो, तुम खुशियां मना रहे हो, तुम दुनिया के जैसे बन रहे हो, मना किया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने कहा तुमने ये बड़ा पाप किया है, इसलिए सुन, अब मैं छीन तो लूंगा, पर तेरे, जब तेरा आगे पीढ़ी का बच्चा आएगा मैं उसे ले लूंगा, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण एक गोत्र में छोड़ दूंगा और 9 ले लूंगा। ऐसा नियम का और कानून का परमेश्वर है। बोलो क्या है? ऐसा नियम और कानून का परमेश्वर है, और हम में एक, चलो जी, जो मन में आया, जो जी चाह वो ही कर रहे, इसीलिए कई बार हम आ तो रहे, प्रार्थनाएं तो कर रहे, करवा रहे, पर रिजल्ट अच्छे नहीं आते, इसलिए क्योंकि हम किसके जैसे नहीं बन रहे। तो किसके जैसे बनना है? तो तैयार हो? मैंने कहा फिर
कितने लोग तैयार हैं आपसे बनने के? क्योंकि परमेश्वर तैयार है। आप प्रार्थना कर चुके हो, मन फिरा चुके हो, तो आज से बनकर देखो इस भाई के जैसे जिसने 1.5 साल बाद अपना मन फिराया, उस भाई के जैसे जिसने, उस बच्चे के जैसे जिसने 1 साल खराब कर मन को अच्छा किया, आया तो खुदा ने रास्ते खोलने शुरू कर दिए। आप देखना, बोलो क्या है, जितना मन अच्छा करता जाएगा इसका घर भी बन जाएगा, सब कुछ अच्छा, शांति, ये पूरी वो जीवन जो यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में लेकर आया, ये जीवन जिएगा। आमेन, हालेलुया।